सभी को मेरा राम राम। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आज जा रहा हूँ जिम। मेरा आज जिम में है स्क्वाट, तो देखते हैं जिम जाके क्या होता है। चलो जिम का रास्ता तय करते हैं, चलते हैं आगे को। तो भाई मैं जिम पहुँचने वाला हूँ, तो देखते हैं अभी क्या होता है। और बने रहे मेरे वीडियो में पूरा, लाइक कमेंट शेयर, और अपने भाई को सपोर्ट करते रहे। याद है मेरा जिम, और फिर देखते हैं अभी क्या होता है। तो भाई मैं पहुँच गया हूँ जिम। मैं सिर्फ थर्ड फ्लोर पर आया। आज है मेरी स्क्वाट, स्क्वाट मारूंगा। अभी स्क्वाट मारते हैं, देखते हैं अभी यहाँ पर सामान भी बिखरा हुआ पड़ा है। देखते हैं भी यहाँ पर सामान भी बिखरा हुआ है, और एक जगह नज़ारा कैसे यहाँ का। तो यहाँ पर अभी अपना सामान रख लेते हैं साइड में, तो पहले अपना सामान रख लेते नीचे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। और यहाँ का व्यू बड़ा मस्त सा दिखाई देगा। और ये भी मैं थर्ड फ्लोर पर, बाकी देखते रहो आगे क्या होता है, क्या नहीं होता है। आज का दिन एक्सरसाइज होती है नीचे, वो बाईस बनना पड़ा है। यहाँ देख सकते कितना मस्त व्यू है। आज थोड़ा बारिश का मौसम भी है। तो मैं थोड़ा वार्म अप कर लेता हूँ, उसके बाद देखता हूँ आगे की प्रोसेसिंग। चलो मिलते हैं आगे। तो हम अभी 40 से स्टार्ट करते हैं, इसके बाद हल्की हल्की वेट बढ़ाएंगे, और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। मैक्सिमम कितना पहुंचते हैं, फिर आगे चलो आगे चलते हैं। फिर थोड़ा सा कपड़े वपड़े चेंज कर लेते हैं। स्टार्ट होगा हमारा स्क्वाट मारना शुरू। थोड़ा सा पहले देखते हैं क्या होता है। और ये पड़ेंगे यहाँ पे 40 का, तो उसके बाद देखते हैं कितने पड़ते हैं 40 के भी। और देखते रहे, बने रहे मेरी वीडियो में पूरी।
तो यहाँ से हम अगला सेट 80 का मारते हैं और 20 की प्लेटें हैं और फिर देखते हैं कितने स्टिक कितने पड़ते हैं मस्त होते हैं 80 का। तो इसके बाद 100 देखते हैं, 100 रखते हैं कि आगे का प्रोसेसिंग देखते हैं क्या होता है क्या होता है, बाकी आपकी मर्जी। तो ये हो गया पूरा 100 kg का। अब बेल्ट पहनना ज़रूरी है ना, कमर बैठ जाएगी। एक टाइम में मेरा हुआ था, खैर कमर बैठ गई थी पूरी, एक हफ्ते पूरी जिम की छुट्टी रही। ये 100 का है, देखते हैं इसके कितने रन पड़ते हैं और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी भी कल को मेरा डेड लिफ्ट का भी है। अभी फिलहाल कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ और ज़्यादा का स्कोर नहीं है, 120-125 का पड़ता है, ज़्यादा नहीं पड़ता है फिलहाल। ज़्यादा टाइम भी नहीं हो रहा जिम करे हुए, और जुड़े रहे मेरी वीडियो में। बस लाइक कमेंट शेयर जितना कर सकते हो, मैं भाई का स्कोर पूरा करूँ। तुम्हारा भाई अच्छी अच्छी वीडियो बना के देखते रहेगा आपको।
पैंट हो गए हैं 120, 10 की दो प्लेटें होगी और 20 की दो प्लेटें होगी, देखते हैं 120 के कितने रख पड़ते हैं, बाकी तो होते रहेगा जो होना है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस ऊपर लछा देना चाहिए बस, और बाकी अपनी मर्जी। और फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, आगे का लाइफ में सक्सेस मिलती है नहीं मिलती है। और ये सबसे लास्ट है मेरा स्कॉट का लास्ट सेट, देखते हैं ये है पूरा 134 खाली वेट, और प्लस लगाना चाहो या ना लगाना चाहो 20 की रॉड हो गई, वैसे मैं लगाता हूँ कभी 20 की रॉड, खाली जो वेट लगाता हूँ उसी का देखता हूँ, बट ये लास्ट का जो पड़ा था स्कॉट पूरा कंप्लीट नहीं पड़ा था, कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम देखूँगा। 134 अभी के मारा है तो अगली बार 140 सेंटीमीटर को मारूंगा ही, और देखते क्या होता है आगे को भी यार, चलो जो भी था अच्छा हुआ, पर ये नीवा मैंने मतलब बैठा नहीं, कंप्लीट हो गया था। फिर तो इसके बाद का सीन देखो अभी क्या होता है इसके बाद, यहाँ से होते हैं थोड़ा बहुत रिलैक्स, बाकी आगे वो देखते क्या होता है, बहुत पसीन हो गए गर्म बहुत, और फिर देखते हैं क्या होता है, ये क्या नहीं होता यार, जिंदगी चलनी वैसे हेल्थी कहते हैं, बस मेहनत करते रहो, बाकी बस एक ना एक दिन से पकड़ ही जाओगे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ बारिश भी आ गई है, ये दिखा देते हैं, तो मैंने सोचा थोड़ी देर खाली रहने से अच्छा, तो मैंने सोचा चलो 20 का वजन है पीक पे, मैंने कहा थोड़ी थोड़ी लेग एक्सरसाइज कर लेते हैं, मैंने कहा नेक्स्ट टाइम थोड़ा और अच्छा स्कॉट पड़ेगा, बाकी यार होते रहता है जो होते रहता है कोई बात नहीं, अभी खुदा की मर्जी, बस बप्पा शांति हमारा। स्कॉट तो हो गई पूरी, तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं और आगे फिर घर जाते समय दिखाते हैं, बारिश भी हो रही है तो पहले थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर देखते हैं आगे करवाने का। तो बस पहले मैं थोड़ा वो सब बांध लेता हूँ थोड़े बहुत, बस उसके बाद नीचे जाते हैं, नीचे का देखते क्या होता है और पसीना कितना हो गया देखते हैं, मेहनत चल रही पूरी हार्ड वर्किंग।
रेस्ट कर लेते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। और फिर कल को डेट लग गया है, देखते हैं कल की लाइट वेट से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं मिनिमम से स्टार्ट करेंगे और मैक्सिमम कहाँ तक पहुँचते हैं, आगे देखते हैं कल को। तो फिलहाल अभी नीचे चलते हैं दूसरे फ्लोर पे, उसके बाद देखते हैं कौन से एक्सरसाइज करनी है कौन सी लेनी है। चलो मिलते हैं आगे। तो गाइज एक्सरसाइज हो गई कम्प्लीट, अब जाते हैं घर को और देखते हैं बारिश भी हो रही है अंदर के बाहर, तो चलते हैं घर। उसके बाद खाना खाना है, खाना खा के सो जाना है, फिर नाइट ड्यूटी चलती है। और देखते हैं आगे क्या होता है, कल को फिर डेड लिफ्ट है, कल की वीडियो बनाऊंगा फिर दिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर मिलते हैं रास्ते में, तो चलते हैं यहाँ से, देखते हैं कि क्या होता है। तो निकले जिम से बाहर, अभी बारिश होती इधर, चलते हैं यहाँ से घर। काम चलो मैं घर पहुँच के करते हैं बात, आज का इशू क्या होता है आगे देखते हैं। तो घर जाके करते हैं बात, रास्ते में है भी क्या पता कोई गाड़ी वाला ठोक गया किसी से, पता भी नहीं है। तो मिलते हैं आगे नेक्स्ट ब्लॉग में, गुड बाय।